मुंगेर के तारापुर में बंदरों का आतंक, एक दर्जन से अधिक लोगों को काट कर किया घायल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, बंदरों को जल्द से जल्द पकड़ने की कर रहे मांग। दरअसल मुंगेर में बंदरों का आतंक तारापुर बाजार में दूसरे दिन भी जारी रहा। वन विभाग के कर्मियों द्वारा अथक प्रयास के बावजूद किसी बंदर को पकड़ने में सफलता नहीं मिली और दूसरे दिन भी आक्रोशित बंदरों ने उल्टा नाथ महादेव मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक लोगों को बुरी तरह से काटकर जख्मी कर दिया। आक्रोशित शहरवासी ने उल्टा नाथ महादेव मंदिर के सामने सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लगभग 35 मिनट तक सड़क जाम रहने के कारण 2 किलोमीटर तक दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार आकर लोगों से बातचीत किया। यह आश्वासन दिया कि वनकर्मी काम कर रहे हैं। उन्नत किस्म के औजार के साथ नालंदा से प्रशिक्षण वनकर्मी को भी बुलाया जा रहा है। प्रशासन संवेदनशील है, लोगों को धैर्य का सामना करना चाहिए, बंदरों से सतर्क रहे। उन्होंने लाउडस्पीकर के द्वारा शहरी क्षेत्रों में खुद से माइकिंग कर लोगों को प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दिया। वहीं बताते चले कि गुरुवार सुबह से ही बंदरों का जबरदस्त आतंक पसर गया था। 10 से अधिक लोगों को काटकर जख्मी किया गया था। स्थानीय लोगों के द्वारा अनुमंडल प्रशासन और थाना को इसकी सूचना दी गई थी। SDO द्वारा जिला वन अधिकारी को इसकी जानकारी देते हुए प्रशिक्षण कर्मियों को बंदर पकड़ने के लिए भेजने का आग्रह किया गया था। रात्रि में ही वन विभाग के कर्मी तारापुर आए, परंतु इस कार्य में दक्ष नहीं होने के कारण बंदर को पकड़ने में नाकामयाब रहे। उसके पास आधुनिक औजार नहीं थे। दूसरे दिन बंदरों के आतंक से अधिवक्ता अशोक सिंह, मनोज मंडल, प्रदीप कुमार, रोहित कुमार, जुबेर, मनोज शर्मा की पुत्री एवं पत्नी सहित 15 से अधिक लोग घायल होने के बाद लोगों ने सड़क जाम किया। प्रशासन हरकत में आई, उच्च अधिकारी से बात की गई। नालंदा से प्रशिक्षण वन कर्मी के आने की सहमति बनी। अधिकारियों द्वारा आक्रोशित लोगों को इसकी जानकारी देते हुए सड़क जाम को हटाया गया। सभी जख्मी का इलाज अनुमंडल अस्पताल तारापुर में कराया जा रहा है। प्रभारी उपाधीक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि एंटी रेबीज इंजेक्शन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। लोग अपने बचाव के लिए हाथ में डंडा लेकर सतर्क रहे। बंदरों के दौड़ने से बंदर की स्थिति बन जाती है। 4 बंदर के आतंक से शहर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। होली के दिन से ही पागल हो गया, लगभग 2-3 आदमी को काट लिया और हम लोग प्रशासन को भी सूचित किए और कल से रात में जो है पैसे विभाग का भी आदमी आया हुआ है, लेकिन उसको पकड़ने में नाकाम है। और अभी बंदर लोगों को घराशाही कर रहा है, काट रहा है, नोच रहा है, जिसे घर में घुस रहा है, छोटा बच्चा है, सब लोग भयभीत है। और फॉरेस्टल भी आया तो उसका भी जो है हमको लगता है कि उससे कुछ होगा भी नहीं। उस उधर गन लेके भी नहीं किया, वो नशा वाला भाग रहा, उसको केला दे रहा है, केला भी नहीं खा रहा, रोटी दे रहा वो भी नहीं खा रहा, कुछ खाएगा तभी तो मान लिया केला में कुछ मिला के दिया, लेकिन केला वो खा ही नहीं रहा, पूरा दांत टिटका रहा है, एकदम लोगों को एकदम काटने के लिए बोला है। और फॉरेस्टल भी आया है, उसके हाथ में पूरा तक उससे कुछ नहीं पाया। हम लोग परेशान हैं, रोड जाम किए हैं कि रंजन साहब आवे, उस उधर गन लेकर के आवे, जैसे भी उसको पकड़ के अपने अंडर मिले। हम लोग परेशान है, पूरा ग्रामीण परेशान है कि इलाका 6 नंबर और 10 नंबर वार्ड एकदम त्राही त्राही हो गया है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सदाम कुमार है, मैं स्वाई बाजार का लड़का हूँ। 3-4 रोज से बंदर परेशान किया जा रहा है, जिसमें कि 20-25 आदमी को नोच लिया गया है, हापक लिया गया है, जिसमें बहुत पेशेंट सीरियस है। इसमें कानून को भी सूचना दिया गया, थाना को भी, SDO को भी, सबको सूचना दिया गया है, वन विभाग से भी आदमी आ गया, मगर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाए। वन विभाग के आदमी आके यहाँ बैठा हुआ है, टाइम खत्म हो गया फिर चला जाएगा, कल भी इसी तरह किया गया, मगर अभी तक हम लोगों को उस चीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं दिया गया। क्या हम लोगों का मांग है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बंदर को पकड़ा जाए, या जैसे भी हो वन विभाग के थ्रू अपना काम। हम लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, नहीं तो वन विभाग के लोग आके अपना पकड़ के लेके जाए। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार।